हेलो फ्रेंड्स, आज की खास रेसिपी है मीठा पुलाव। मीठा पुलाव के लिए मैंने चावल लिया है एक बड़े साइज़ के कप में, बासमती राइस है, हाफ कप मैंने शुगर लिया है, चीनी 1/4 किशमिश और हाफ कप काजू, छोटी इलायची लिया है मैंने, हरी इलायची और ऑरेंज कलर चावल में मिक्स करने के लिए। तो और ये अब पानी थोड़ा सा लिया है मैंने जिसमें चावल भिगोना है। 2 कप में मैंने चावल को डिवाइड कर दिया है ऑरेंज और वाइट। चावल के इक्वल ही मुझे पानी लेना है जो लास्ट में मिलाया जाएगा। सबसे पहले आप कढ़ाई गरम करके घी डाल दें। जब ये गरम हो जाए अच्छे से तो आंच कम करके उसमें मुझे काजू फ्राई करना है। सबसे पहले तेज आंच पर काजू नहीं फ्राई करें क्योंकि वो जल जाएगा। ये लीजिए, काजू फ्राई हो गया है। इसे 2-2 पीस में आप अच्छे से काट लें ठंडा होने पर। अब कढ़ाई में मुझे छोटी इलायची का तड़का डालना है, फिर मुझे प्लेन राइस डालना है, उसे फ्राई करना है। इसे कम आंच पर ही आप फ्राई करें जिससे वो जले ना। ये लगभग अब फ्राई हो गया है। अब मुझे इसमें ऑरेंज कलर का भी चावल डाल के फ्राई करना है। मैंने वाइट वाले को निकाल दिया है, अब इसमें मुझे ऑरेंज चावल डालना है जिसे मैंने कलर लगा के रखा था, और इसे आप कम आंच पर इसे भी आप फ्राई करें। भुनने के बाद इसमें आप किशमिश डाल दें। अब इसे भी मुझे कुकर में निकाल देना है। एक साथ दोनों चावल को मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसमें काजू डाल दें जो मैंने तोड़ के रखा हुआ है। अब चावल के इक्वल जो मैंने पानी लिया था इसमें डाल देना है। चावल रेडी है। 2 से 3 सीटी में ये बन गया है, काफ़ी अच्छा बेक हो गया है। अब इसमें चीनी मिला दें। चीनी मिलाने के बाद इसे कम आंच पर आप चलाते रहें और ड्राई करके निकाल लें। चावल बहुत ही टेस्टी बनती है। होप यू विल लाइक इट। आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगा रेसिपी। ये अब सर्व करने के लायक हो गया है, तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ड्राई भी हो गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा बना है। घर में कोई भी मेहमान आए तो आप स्वीट राइस बनाकर सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।